मलेशिया में पास आउट बंद हो चुका है, ठीक है, लोग वापस जा रहे हैं, वो डिपोर्ट कर देते हैं इमिग्रेशन वाले। तो दोस्तों हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब हम कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हमें इमिग्रेशन वाले ने रोक लिया। यहाँ जो इमिग्रेशन वाले हैं वो छापे मार रहे हैं, रेड कर रहे हैं हर जगह, हर फैक्ट्री में रेड कर रहे हैं। जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभ शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुभ शाह ऑफिशियल। दोस्तों कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप किस वीज़े पे मलेशिया आए थे। तो दोस्तों मैं विदेश वीज़े पे मलेशिया आया हूँ, तो मुझे आज 20 दिन हो गए तकरीबन। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में विजिट वीज़े का बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों जो विजिट वीज़ा है दोस्तों वो बंद हो चुका है, अभी पास आउट बंद हो चुका है, ठीक है। पाकिस्तान से बंदे तो आ रहे हैं विजिट वीज़े के लिए, लेकिन मलेशिया में पास आउट बंद हो चुका है, ठीक है, लोग वापस जा रहे हैं, वो डिपोर्ट कर देते हैं इमिग्रेशन वाले, ठीक है। तो दोस्तों जो भी आए तो आप संभल के आइएगा, ठीक है। तो इधर मलेशिया वाले जो हैं वो डिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानियों को, इंडियन को, सबको, ठीक है। क्योंकि जो जून है, जून का महीना जो गुजरा है, पूरे महीने में उन्होंने पास आउट खोल दिया था, जो कि लोग इलीगल थे उनके लिए, ठीक है। उन्होंने, हुकूमत ने ये कहा है कि कहा था कि जो भी बंदा इलीगल है वो पाकिस्तान या इंडिया वापस जा सकता है, ठीक है। तो आधे तो बंदे चले गए लेकिन आधे यहीं रह गए, ठीक है। हुकूमत ने ये भी कहा था कि जो बंदा वर्क परमिट बनवा ले, कागजात बनवा ले, ठीक है, वो उधर रह सकता है, लेकिन किसी ने नहीं बनवाया। आधे बंदे वैसे ही चले गए, आधे वैसे ही इलीगल रह रहे हैं। तो जो इसलिए हुकूमत को पता चला था, हुकूमत ने जो विजिट वीज़ा था वो फिलहाल बंद कर दिया, ठीक है। वो इसलिए बंद किया क्योंकि वो लोग आ रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इधर इलीगल आके रह रहे थे, तो इसलिए इन्होंने वीज़ा बंद कर दिया। तो दोस्तों हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब हम कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हमें इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया। हम तकरीबन 50-60 बंदे थे जो इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया हमें। तो हमें वो दफ्तर ले गए, इमिग्रेशन वाले दफ्तर में, तो उधर हमसे जो कोई इंफॉर्मेशन ली। तो दोस्तों जिनकी होटल बुकिंग नहीं थी, जिनकी वापसी की फ्लाइट नहीं थी और जिनके पास शो मनी नहीं थी, ठीक है, वो जो होटल बुकिंग थी वो ऑनलाइन चेक कर रहे थे। जिनकी ऑनलाइन होटल बुकिंग नहीं थी वो उनको डिपोर्ट कर रहे थे, और जिनके पास वापसी की टिकट नहीं थी उनको भी डिपोर्ट कर रहे थे, और जिनके पास 6 महीने नहीं थी वो भी डिपोर्ट हो रहे थे, ठीक है। तो मेरे से पहले जो जितने भी बंदे हुए हैं, ठीक है, एक बंदा उसमें से जो पास आउट इसको मिला है, ठीक है, और दूसरा बंदा मैं था जिसको पास आउट मिला है, ठीक है। तो औरों का नहीं पता मुझे कि बाकियों का क्या बना क्या नहीं, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे साथ भी इसी तरह हुआ है, सही है। तो अभी बात रह गई वर्क परमिट की, ठीक है, वो अभी तक ओपन नहीं हुए। तो हुकूमत ने ऐलान किया है कुछ दिनों बाद शायद हो जाए, ठीक है। अभी हुकूमत ने ऐलान खाली किया है कि शायद हो सकता है कि आने वाले 2 महीनों में, महीने डेढ़ में वो ओपन कर ले, लेकिन फिलहाल वर्क परमिट ओपन नहीं हुआ, ठीक है। जो एजेंट पाकिस्तान में है वो तो कह रहे हैं हो गया है, वो आपसे पैसे ले रहे हैं, लेकिन अभी तक वर्क परमिट जो है वो नहीं हुआ ओपन, सही है। तो विजिट वीज़ा जिनके लगे हुए हैं तो वो दोस्तों अब खुद ही देख रहे हैं वो आए या ना आए। तो दोस्तों जो बंदे एजेंट से वीज़ा लगवा रहे हैं विजिट वीज़ा, वो ना लगवाएं क्योंकि इधर आके आपने फंस जाना है, ठीक है। तो इधर बहुत मुश्किल है, सही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ जो इमिग्रेशन वाले हैं वो छापे मार रहे हैं, रेड कर रहे हैं हर जगह, हर फैक्ट्री में रेड कर रहे हैं। जो लीगल बंदे हैं उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं, ठीक है, दो दो तीन तीन जो गाड़ियाँ रोज़ रोज़ भर के जा रही हैं कंपनियों से। तो जिन जो जो इलीगल हैं वो पकड़े जा रहे हैं सारे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।